एएससी एकेडमी एक एएससी टैलेंट हंट एग्जाम लेके आ रहा है, जिसमें 10th क्लास के बच्चों के लिए 11 साइकिल प्राइजेस रखे गए हैं और 8th-9th क्लास के बच्चों के लिए साइकिल और कैश प्राइज रखा गया है। स्कैन करके रजिस्टर करें। कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। जो घर घर आप जा रहे हैं, आपके जो भी कामकाज है, ये सब आवाम को बता रहे, तो क्या रिस्पांस आपको मिला अब तक? अल्हम्दुलिल्लाह, हमने गुज़िश्ता रोज़ 3 दिन के अंदर वार्ड नंबर 6 का दौरा मुकम्मल किया और कल वार्ड नंबर 7 में थे, आप 6 में कल से हम लोग आए। कल हम लोगों ने फेमस होटल के पास, मिलन होटल के सामने की गली से शुरू किया और कंपाउंड से करते हुए करते करते हम लोग डायरेक्ट गोंड वाले तक के पहुँचे। हमारा मकसद है पूरे शहर के अंदर लोगों के बीच में जाना और मालेगांव शहर की आवाम को कामकाज बताना। हमारा ये मकसद लेके कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी और मैं खुद और तमाम वार्डों के कुछ उधर के लोग रहते, ख़ास तौर पे हमारे मुख्तार बेस्ट डीलर कयूम भाया, गफ्फार भाई, साबिर भाई, जैनू पठान, फरीद हाजी वगैरह, हम लोग सब टोटल ऐसे कार्यकर्ता सब साथ में घरों घर पैदल जाते। लोगों का एक ही मकसद है और लोग मकसद में ये चाहते हैं कि शहर के अंदर बदलाव होना। शहर की सियासत, गंदी सियासत को शहर के लोग उखाड़ के फेंकना चाहते। बस लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जाज भाई का टिकट का फाइनल हो जाए। जिस दिन टिकट का फाइनल होगा उस दिन ये शहर दूध का दूध और पानी का पानी कर देने वाला है। हम लोग किसी की गलतियाँ बताने के लिए मैदान में नहीं आए। आज शहर खुद देख रहा है कि मालेगांव शहर पूरा खंडर हो चुका, आज रोड रास्ते ख़राब हो चुके, ये जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी तो यहाँ के जिन्होंने 5 साल राज किया कॉरपोरेशन के ऊपर, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी कबूल करना चाहिए। जो 5 साल गुज़िश्ता 10 सालों से MLA है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी कबूल करना चाहिए। जिन्होंने इसके पहले 15 साल एक ही घर के अंदर आमदारशिप रही, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करना चाहिए। मगर ये दूसरे अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करने में नहीं ये कर रहे, ये सिर्फ और सिर्फ वो आवाम को धोखा दे रहे और आवाम इनके धोखे से बाज आ चुकी है। ये चाहती है शहर की आवाम कि अब नया कोई चेहरा आए और शहर बदलाव की तरफ जा रहा है। हम हमारे काम बताने के लिए शहर के आवाम के पास जा रहे हैं। हमने जो हमारा हैंडवेल छापा है, हमने जो कॉरपोरेटर था, इज़ द कॉरपोरेटर, इतना काम किया है कि शहर की आवाम अगर हमारे काम पढ़ देंगी उसके अंदर तो वो मुतमईन होंगी कि हमने क्या काम किया है। बिग साहब, जैसे आपने कहा कि टिकट फाइनल हो, लेकिन एक शहर के एक लीडर ने कहा कि मैं दिल्ली गया था, वहाँ पर मुझे एक बात मालूम पड़ी कि कांग्रेस को मजबूत उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। ऐसा है, नाचते नहीं आए तो आंगन टेढ़ा। ये खुद गए थे वहाँ पर टिकट के लिए, ये क्यों MIM के आमदार है, ये क्यों जाते टिकट मांगने के लिए? मजबूत अगर उम्मीदवार है तो तुम्हारे लिए अच्छा है ना, ये कमज़ोर उम्मीदवार है, तुम जीत सकते अगर कमज़ोर उम्मीदवार तुम्हारे सामने अगर दिख रहे तो। तुम्हारे को वो मेरी गलतियाँ, मेरी क्या बताने की ज़रूरत है कि मैं कितना कमज़ोर हूँ, कितना छोटा आदमी हूँ? ये गलती ये नहीं है, इनको मेरी बताने की ज़रूरत नहीं है। तुमको इतनी खुशी और क्या बात हो सकती है कि तुम्हारे सामने इतना कमज़ोर उम्मीदवार आने वाला है? तो बिग साहब, सीट शेयरिंग की बात आखिरी आखिरी मरहले में, नाना भटोले से आपकी कुछ बातचीत हुई है, आप भी मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए आप, सबको दिख रहा है, इसको लेकर नाना से मेरी बात होते रहती है। आज मैं सुबह फ़ोन लगाया था, नाना का फ़ोन नॉट रिचेबल था, 8:15 बजे मैं उनको सुबह लगाया था फ़ोन। बहरहाल दूसरे पदाधिकारी लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने यही कहा कि मालेगांव शहर की जो सीट है वो हर हाल में कांग्रेस की रहेंगी, यहाँ पर कांग्रेस का MP है और मालेगांव शहर की आवाम के, उन्होंने 2 लाख वोट दिया है मालेगांव शहर की आवाम ने, तो ये हर हाल में MP जहाँ पर कांग्रेस का रहेंगे वहाँ MLA भी कांग्रेस का होना चाहिए। वो लोगों ने इस तरीके की अपनी भूमिका ली है और मालेगांव शहर की सीट शेयरिंग के अंदर वो लोग मालेगांव की सीट कांग्रेस को चाहते हैं और कांग्रेस को सीट लेंगे वो लोग। तकरीबन महीना भर है इलेक्शन, तो उसकी तैयारी कैसे जा रही है आपके जलसे वगैरह, इसको लेकर सोच विचार कर रही पार्टी से तो बात चल रही है। देखो, मैं खुद तैयारियाँ ऐसी है कि अपने ऊपर तैयारी, आज हम शहर के अंदर जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग हमको मिलते तो यही बात बोलते कि भैया अच्छा है और लड़ो इस वक्त, तो तुम इस शहर इस टाइम तुमको छून के ला के देंगे। शहर की आवाम ने मेरा काम देखा। मालेगांव शहर के अंदर जब 2001 के अंदर फसाद फूट पड़ा तो यही एक बंदा था, मैं तो समझता हूँ आप 21 साल पहले तो आपको सियासत के अंदर आप भी नहीं होगे, मगर अगर उस वक्त की अगर आप कहानी लेंगे तो मैंने समाज के अंदर जो काम किया हुआ, यानी मैं जो काम कर गुजरा वो आज करने के लायक भी यहाँ के लीडर नहीं है। 2 बम ब्लास्ट हुआ, दोनों बम ब्लास्टों के अंदर अपनी जान जोखिम के अंदर डालकर मैंने लाशों को ऐसा उठाकर वाड़िया हॉस्पिटल के अंदर पहुंचाया। दोनों बम ब्लास्टों के अंदर मैंने काम किया,
12 नवंबर के अंदर जो लोगों ने बिला वजह उसको चिंगारी, हवा चिंगारी को आग पर जरिया बनाने का काम किए थे, ये यहाँ के लीडरों ने नहीं किए। मैं आज बोलता हूँ कि ये लीडरों का पर्दाफाश हुआ भी 12 नवंबर के बारे में मैं करने वाला है। मालेगांव शहर को फसाद के अंदर जो झोंक रहे थे, उसके बाद बिला वजह लोगों को फंसाया गया, बेगुनाह लोगों को जेल के अंदर सलाखों के पीछे 6 से 7 महीना डाला गया। अरे गुस्ताख रसूल, जिन्होंने गुस्ताखी किया था उसकी शान में गुस्ताखी करने वालों की शान के अंदर लोग मेमोरेंडम देने के लिए गए थे, लोग कोई फसाद करने के लिए नहीं गए थे, सब अपने अपने घर चले गए थे। बहरहाल ये एक मनसूबाबंद तरीका था जो वहाँ पर 12 नवंबर के अंदर फसाद करवाना चाहते थे। ये हम लोगों को, शहर के लोग, अच्छे लोगों को ये बात आज तक हजम नहीं हो रही, जिसने किया था, जिसने फसाया, ये सारी चीज़ आज बोलने की नहीं है, स्टेज के जरिए हम लोगों को बताइए। बिग साहब, सोशल मीडिया पे और शहर भर में चर्चा है कि जो लोग हैं मालेगांव शहर के, शेख आसिफ हो, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी हो, दोनों से परेशान हो चुके हैं, एक नया नुमाइंदा हो चाहते हैं, तो इसको लेकर आपको क्या लगता है ये सब चीज़ों को? मैंने आपको पहले ही बोला कि मैंने बाद में बोला कि हम लोग जहाँ जा रहे हैं लोग यही बोलते हैं कि साहब आप इस वक्त इलेक्शन लड़ो। हम लोग यानी शहर सच मानों में बहुत परेशान हो चुका, यहाँ पर कोई किस्म की नहीं, आज पूरा शहर मालेगांव पावर से परेशान है। जो MPSL कंपनी है एक लफ्ज़ तो बोल दे दोनों, आज 5 साल का अरसा गुजर गया, हमारी माँ बहनें इतनी परेशान है कि जिनको 500-700 रुपये बिल भरना पड़ता था आज 2000 2500-2500 रुपये बिल आ रहा। जो चरखा भरती हमारी माँ बहनें, कुछ प्लास्टिक चुनती, क्या क्या करके यहाँ पर गरीब माँ बहनें बर्तन धोकर अपना पेट पालती, ऐसे लोगों को 2000 1500-1500 रुपये बिल भरने के बाद आज परेशान है। ये कभी अपने एक लफ्ज़ अपने मुँह से नहीं बोलते ये सारी चीज़ों के लिए। आवाम बहुत परेशान हो चुकी है, पावर का मसला हो या नया कॉलेजेस है, न यहाँ पर कोई हॉस्पिटल है, तुम जाके देखो आज सिविल हॉस्पिटल का सामान्य रोगनालय हाल ये है कि वहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं रहता। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते अपने YouTube के जरिए, अपने अखबारों के जरिए बड़ी बड़ी बातें करती, आवाम को जाकर देखना चाहिए कि सिविल हॉस्पिटल के अंदर, मैंने कल मेरे पास कुछ लोग आए कि भैया परसों के दिन पानी नहीं था, मैंने कल डॉक्टर चौहान को फ़ोन करके कहा कि यार पानी का कोई मसला है तो आप मुझे बोलिए, मैं पानी की वहाँ पर लाइन लगा के देता हूँ। ये लीडरों का काम नहीं है क्या कि वहाँ पर बीमार आदमी जाता है, इतनी गंदगी का अंबार है कि अच्छा आदमी अगर वहाँ पर जाएगा तो वो बीमार होकर हॉस्पिटल से निकल जाएगा, जबकि लोगों को आशा ही उस हॉस्पिटल से ये लगी रहती कि भाई मैं अगर वही हॉस्पिटल में जाऊँ तो मैं बीमार रहूँ तो अच्छा हो जाऊँ, मगर वहाँ पर अच्छा आदमी जाने के बाद बीमार होकर वो निकल रहा, वहाँ ऐसी हालत है शहर की। शहर में साफ़ सफाई को लेकर नज़्म था, और भी जो चीज़ें हैं जैसे मलेरिया डिपार्टमेंट हुआ, मच्छर मारने की दवा हो गई, ये सब चीज़ें भी वक्त पे मारी नहीं जाती, ये दोनों लीडर ने कभी इस पर भी ध्यान नहीं दिया। देखो ये करप्शन इनके नसीब में, करप्शन अल्लाह ताला ने इनके नसीब के अंदर काम नहीं दिया, इनके नसीब में करप्शन दिया। मुझे आज सुबह में मैं जब नींद से बेदार हुआ तो मैं बिस्तर के ऊपर था तो मुझे एक बात याद आ गई, एक आयुक्त तो था उसने मुझे एक बात बोला था कि एक लीडर यहाँ का कैंसर है, बोले कैंसर एजाज भाई, बोले मैं तो जा रहा हूँ, बहरहाल मैं ये बात आपको बोल के जा रहा, मैं आप तो रिटायर हो गया, बहरहाल ये शहर के लिए हानिकारक है, मैं आज नाम नहीं बोलूँगा, मैं स्टेज से बात बोलूँगा, ये शहर के लिए हानिकारक है, बोले कैंसर है शहर के लिए। आज मेरे दिमाग के अंदर वो बात सुबह सुबह अल्लाह ताला ने दिमाग में डाल दिया कि लतीश देशमुख ने मुझे एक टाइम इस बात बोला था, ये सारी बातें भी मैं लोगों के लिए स्टेज पे बोलूँगा। तोड़ी करना, दुर्भाव करना, किसी का बर्दाश्त नहीं करना, अच्छा काम समझे क्या, अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो आप देखेंगे तो उसको बर्दाश्त किसी को होता नहीं, उसके बारे में भी घड़ी घड़ी कमिश्नर को परेशान किया गया, मैंने कई बजट डाला, कई बजट मांगा तो उसके लिए भी कमिश्नर के ऊपर दबाव डाला गया, ये सारी चीज़ें ये अच्छा करना पसंद नहीं करते। अरे मैं तो चाहता कि भाई तुम अच्छा करो, तुम दादा भूसे के काम को ही गिनवाते क्यों हो, क्या वो दादा भूसे ने ऐसा किया, दादा भूसे ने, ये शहर तुमसे ये नहीं पूछेगा क्या तुमने दादा भूसे के ऊपर तनकीद किए या नहीं किए, ये शहर तुम्हारे से अब ये पूछेगा तुमने हमारे शहर के अंदर काम किए कि नहीं किए, बस यही शहर के लोग आप चाहते। शहर के लोग ये सुनना पसंद नहीं करेंगे दादा भूसे ने किया, दादा भूसे एज दी मिनिस्टर उसके इलाके के अंदर वो तो खूबसूरती करेगा, तुम क्यों नहीं करते, तुम यहाँ के ठेकेदार को पाबंद क्यों नहीं करते कि तूने जो काम किया है ये 5 साल चलना चाहिए, 10 साल चलना चाहिए, जब काम करके हटो, अभी नवे नवे रोड बने आप चल के देख लो, पूरे रोड उखड़ना चालू हो गए, एक नहीं अनेक दोनों लीडरों के ठेकेदारों को मैं बोलना चाहता हूँ कि एक एक ठेकेदार की बात नहीं बोल रहा, दोनों लीडरों ने जहाँ जहाँ काम किए आधे से ज़्यादा रोड उखड़ के खराब हो रहा है, बाकायदा खड़ी दिख रही है। जो काजू बादाम बोला करते थे उनके हिस्से में भी वही काजू बादाम आ रही, और दूसरे लीडर के हिस्से में भी चल के देखो यही मामला थे। सर आपके अहम जो मुद्दे रहेंगे इलेक्शन में जिस पर आप फोकस करने वाले हैं उसको लेकर आप सोच विचार कर रहे हैं कि आपके दिल में है कोई बात जिसको खास लेकर आवाम के बीच आपको जाना है? हमारा बहुत ज़्यादा मुद्दा नहीं रहेगा, सबसे पहला मुद्दा रहेगा अगर हमको अल्लाह ताला ने नवाजा,
हम आमदार बने तो यहाँ से MPSL कंपनी को भगाने का काम मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी अवामी तहरीक के जरिए इनको वापस मालेगांव शहर से भगाएगी। दो नंबर का मुद्दा ये रहेगा कि नर्सिंग कॉलेज डालना चाहिए मालेगांव के अंदर। जो हॉस्पिटल रहता नर्सिंग हॉस्पिटल उसके अंदर कॉलेज भी रहता और उसको हॉस्पिटल भी मिलता, मतलब दोनों चीज़ मिलती उसको नर्सिंग कॉलेज के नाम के ऊपर। सिविल हॉस्पिटल नहीं, नर्सिंग कॉलेज है। हाँ, ये जो कॉलेज अगर आएंगे तो इसके अंदर एक बड़ी कॉलेज आएंगी, उसके अंदर बच्चे पढ़ेंगे भी, उसके अंदर ये भी होंगे। यहाँ पर ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है कि आप बीमार अगर हुए तो आपको वहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर आपका इलाज हो जाए। आपको यहाँ से नासिक जाना पड़ता, बम्बई जाना पड़ता, धुलिया जाना पड़ता, पूना जाना पड़ता। मालेगांव शहर के अंदर एक अच्छा हॉस्पिटल बनाएंगे, यहाँ पर TB का एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएंगे कॉरपोरेशन की तरफ से, गवर्नमेंट से फंड ला के एक शहर के इलाके में किनारे एक ऐसी हवा के अंदर एक हॉस्पिटल बनाया जाएगा जहाँ TB का इलाज हो जाए। मालेगांव शहर के अंदर TB के मर्ज लातदाद, TB के मर्ज है शहर के अंदर, उनका इलाज सही तरीके से होता नहीं है। नौजवान लड़कियों को खास तौर पर आज मैं देख रहा हूँ कि बीमारी के अंदर बच्चियों के अंदर जहाँ TB का अगर ये हो गया रोग और वो अगर बच्ची प्रेग्नेंट वगैरह रही तो उसके बच्चे भी असरात पड़ता, उस पर खुद पे असरात पड़ता और वो अपनी जान गंवा देती। ऐसे मैंने पेशेंट TB के देखा हूँ। तो इनके लोगों को आज तक के रोड गटर की सियासत से होकर ये ऊपर नहीं आ रहे, इन्होंने शहर के बारे में आज तक कुछ नहीं सोचा। सोचना आपको ये शहर के अंदर कि हम लोग जो सोचेंगे, हमारी सोच अल्लाह ने वसी दिया, हम हमारे कामकाज गिना रहे। हमने जो वार्ड के अंदर किया, मालेगांव शहर के अंदर चैलेंज है हमारा कि उसका मुवजना कोई भी कारपोरेटर, कोई भी यहाँ का महापौर, कोई भी यहाँ का आमदार नहीं कर सकता जो इजाज़ बेग ने किया है। आपको मेरा कामकाज मैं गिना रहा हूँ और जो हमने हमारे पंपलेट के अंदर जो लिख कर दिया है आवाम को, आवाम ने आगे देखना चाहिए कि हमने ये काम किए कि नहीं करे। एक बात भी झूठ निकली तो मैं मेरा फॉर्म नहीं भरूँगा।